कांग्रेस ने महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर मौजूदा बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया है, जिसके विरोध में लगातार पुतले जलाकर प्रदर्शन किया गया। दून में बुधवार को कांग्रेस ने महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। ऐसेहाल चौक पर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पुतला फूंक कर सरकार से अपना विरोध दर्ज कराया। राजभर में प्रदर्शनों की कड़ी में महानगर कांग्रेस कमेटी देहरादून के तत्वाधान में देहरादून में प्रदर्शन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान है। रसोई गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। महंगाई और कोरोना की मार से जनता बेहाल है। वित्तीय अर्थव्यवस्था का बोझ आम आदमी पर डाला जा रहा है। सरकार महंगाई पर लगाम कसने में नाकाम हो चुकी है। सरकार को जनता के दुख दर्द को दूर करना चाहिए, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के बाद पेट्रोल के दाम में 28 और डीजल के दाम में 23 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दावा किया जा रहा है कि एक साल में सरसों का तेल 53 रुपए, सोयाबीन के तेल 53 रुपए से बढ़ोतरी हुई है। वहीं रसोई गैस के दाम 900 रुपए पहुंच गए हैं।